सो हेलो दोस्तों, तो अभी मैं आपको लेकर आया हूँ एरोप्लेन रेस्टोरेंट के अंदर, जो कि मूर्थल में है। एक ज़माना हुआ करता था लोगों को जहाज में उड़ना पसंद हुआ करता था, आज वो ज़माना आ गया है कि भाई लोग जहाज में बैठ के खाना भी खाना चाहते हैं। तो इसलिए मैं ये वीडियो आप तक लेकर आया हूँ, जिसमें मैं आपको एरोप्लेन रेस्टोरेंट दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे एक नहीं, दो दो एरोप्लेन है, ये देख सकते हो आप, दिखाने साइड। ये यहाँ पे देखो, एक जहाज ये रखा हुआ, बाकी एक जहाज यहाँ पर ये रखा हुआ, दो यहाँ पर जहाज हैं भाई। यहाँ पर ये दो दो जहाज रखे हुए हैं ना, एरोप्लेन रेस्टोरेंट है इसको, मतलब लोग जानते हैं हवाई अड्डे के नाम से, जो कि मूर्थल में है। तो पूरा मैं आपको यहाँ दिखाने वाला हूँ, कैसे आप यहाँ तक आ सकते हैं, यहाँ की टाइमिंग क्या होने वाली है, कितने रुपए आपके लगने वाले हैं, अगर आप यहाँ खाना चाहते हैं कितने रुपए आपके होने वाले, मेन्यू क्या होने वाला है। उसके अलावा भाई खाने तो आना चाहते हो, मेन्यू भी बता दूंगा मैं आपको, टेस्ट कैसा होगा, यानी कि मैं आपको ये भी बताऊंगा कि यहाँ का खाना कैसा होता है, बढ़िया होगा या नहीं होगा, ये भी मैं इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो बने रहना, स्किप आपने करा तो कोई पार्ट छूट जाएगा, फिर आप बोलोगे ये तो बताया नहीं, बताया होगा जबकि वीडियो में, क्योंकि आपने स्किप कर दिया होगा तो पता नहीं लगेगा आपको। तो बने रहना वीडियो के अंदर, सारी जानकारी मिलने वाली है। आइए विजिट करते हैं एरोप्लेन वाले इस रेस्टोरेंट को। वही सबसे पहले मैं आपको यहाँ की लोकेशन बताया, तो ये आप सामने रोड देख रहे हो, तो भाई ये जीटी करनाल रोड है, यहाँ से भाई दिल्ली की तरफ जा रहा है ये रोड, और यहाँ इस साइड से करनाल की तरफ जा रहा है रोड। बाकी एग्जैक्ट जो ये रेस्टोरेंट पड़ जाता है ना, ये होता है आपका मूर्थल के अंदर, ये जगह फेमस है हवाई अड्डा मूर्थल के नाम से। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है हवाई अड्डा मूर्थल, यहाँ पर आपको रेस्टोरेंट मिल जाता है, बैंक्वेट मिल जाता है और काफ़ी फूड मिल जाते हैं। तो भाई पार्किंग की बात करें तो भाई चारों तरफ यहाँ पार्किंग आप देख सकते हैं, ये रहा यहाँ पे एरोप्लेन और ये रही यहाँ पे पार्किंग। तो पार्किंग यहाँ पे आपको मिल जाती है पूरे एरिया में, कहीं पे भी आप अपने व्हीकल को पार्क कर सकते हैं। और वहाँ देखो सामने लिखा हुआ है पार्क एट योर ओन रिस्क, मतलब अपने रिस्क पर ही आपको यहाँ पार्क करना है व्हीकल। यहाँ की टाइमिंग की अगर बात करें तो भाई ये 24 आवर ओपन रहता है, मतलब ऑलवेज ओपन, दिन में आओ, रात में आओ, सुबह आओ, शाम को आओ, जब मर्जी आओ, ऑलवेज ओपन रहती है जगह। और भाई अगर आप दिल्ली की साइड से आ रहे हो और आपको बस से आना है, तो भाई आप ISBT कश्मीरी गेट से बस ले सकते हो, सोनीपत, पानीपत, अंबाला, मतलब ये जितनी बसें हैं ना सारी यहीं सामने रोड से निकलती हैं। आपको क्या करना है ना, मूर्थल के स्टैंड पे उतर जाना है और वहाँ से आपको शेयरिंग ऑटो ले लेना है, वो 10 रुपये आपसे लेंगे और आपको यहाँ पे छोड़ देंगे। भाई यहाँ पर जो है ना दो जहाज रखे हुए हैं, दो एरोप्लेन रखे हुए हैं, ये आप देख सकते हो, ये रहा बाकी एक ये रहा, काफ़ी बड़े बड़े एरोप्लेन लग रहे हैं भाई। तो चलेंगे दोनों में अंदर से, आपको दिखाएंगे क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पर। बाकी यहाँ पर देखो ये लगाई हुई रिंग लाइट लगाई हुई है, यहाँ पे से आप 360 में वीडियो शूट कर सकते हो, अपनी रील्स वगैरह डाल सकते हो, शॉर्ट वीडियो डाल सकते हो, पोस्ट कर सकते हो आराम से। और क्या In my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. 'Cause I came to the game and I changed it to play. How I like rearranged it to my. कोई दिखाई दी मैंने आपको 360 वीडियो, भाई कितना रुपया है इसके, कितना रुपया होने वाले हैं 360 वीडियो बनाने, कितना रुपया है? 100 रुपये। अच्छा 100 रुपीज, भाई 100 रुपीज यहाँ पर इसके होने वाले हैं अगर आपको 360 वीडियो यहाँ पर बनानी है। तो भाई कम्प्लीटली मैं आपको दिखाऊंगा कि भाई यहाँ पर आपको एरोप्लेन रेस्टोरेंट के अलावा और क्या क्या मिलने वाला है टोटली, और उसके अलावा फूड हम टेस्ट करेंगे, फूड रिव्यू भी आपको देंगे कि यहाँ का खाना कैसा होता है। आपके साथ छोटे बच्चे हैं तो भाई आपको यहाँ पे झूले भी मिल जाते हैं, देखते हैं क्या क्या झूले हैं और कितने रुपए उसके होने वाले हैं। पहले ये सब दिखा देता हूँ, उसके बाद ऊपर एरोप्लेन में चलेंगे, वो सब भी दिखाएंगे आपको। यहाँ देख सकते हैं आप एरोप्लेन वाला एक झूला है, यहाँ पे पीछे एक छोटा सा जायंट व्हील टाइप रखा हुआ है, यहाँ पर देखो एक गोल गोल घूमने वाला झूला है, पीछे वहाँ मिकी माउस रखा हुआ है, यहाँ पर देखो एक ट्रम्पलिन आपको मिल जाता है, यहाँ पे देखो मिकी माउस है, भाई लेटे यहाँ पे आराम से। भाई कितना रुपये मिकी माउस के? 100 रुपये। कितनी देर के? 15 मिनट के, 15 मिनट के 100 रुपये बता रहे भाई यहाँ मिकी माउस में। देखो ये एक मिल जाता है यहाँ पे बच्चों के लिए, वहाँ पे देखो VR भी है, शायद स्काई वॉक है वहाँ पे VR लगा हुआ है, वर्चुअल रियलिटी। तो ये भी चल के दिखाता हूँ थोड़ा और, पूछते हैं कितने होने वाले हैं इसके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं VR के मतलब कितने रुपये होने वाले हैं मिकी माउस। अच्छा सबके लिखे हुए हैं यहाँ पे, सिर्फ VR के नहीं है, VR का ये लिखा 150, बाकी सबके 100-100 रुपये यहाँ पे होने वाले हैं। वो एरोप्लेन के अलावा ना सिटिंग अरेंजमेंट आपको नीचे भी मिल जाता है, अगर मान लो एरोप्लेन में कुछ ज़्यादा ही क्राउड हो गया तो यहाँ नीचे वेट कर सकते हैं, बाकी यहाँ पे खा भी सकते हैं आप बैठ के नीचे ही। एरोप्लेन में जैसे खाना वो एरोप्लेन में जाए, जिसको नीचे यहाँ खाना हो या नीचे बैठ सकता है। एरोप्लेन में भी कई बार क्या होता है क्राउड ज़्यादा हो जाता है, और मतलब कोई कपल जाते हैं तो वो चाहते हैं कि मतलब ज़्यादा क्राउड ना हो, तो वो यहाँ पर बैठ सकते हैं चाहे तो, मतलब मर्जी है उनकी, डिपेंड उन पर ही करता है, चाहे यहाँ बैठे चाहे ऊपर एरोप्लेन में जाके बैठे। तो भाई यहाँ पर सामने सर हैं, इन्हीं से थोड़ा पूछ लेते क्या क्या यहाँ पे हमें मिलने वाला है। मतलब यहाँ आपको एक नया रेस्टोरेंट है जो एरोप्लेन है, आपने अलग नया कल्चर देखा है एरोप्लेन का। हाँ, तो मतलब एक टाइम था लोग एरोप्लेन में उड़ना चाहते थे, आज खाना भी चाहते हैं, आज खाना भी खा रहे हैं, और ये उनके लिए भी जो एरोप्लेन में उड़ नहीं सकते ना सर, तो उनके वो अपना यहाँ पे आके एंजॉय भी करते हैं। बिल्कुल। तो यहाँ हमारे यहाँ प्लेन के अंदर पूरी सीटिंग है, खाना पूरा सब कुछ है, सारा खाना अच्छा है, कुछ भी आप ट्राई करें मेन कोर्स में या चाइनीज में, इटालियन में, एनीथिंग एल्स सब कुछ है यहाँ पर। तो सर्व कौन कौन करता है इसमें, लेडीज करती हैं जेंट्स? नहीं नहीं सर, सब हमारे पास कैप्टन्स हैं और स्टूवर्ड्स हैं। अच्छा, जो मतलब सर्व करते हैं वो कैप्टन है पूरे? कैप्टन और स्टूवर्ड है। अच्छा,
और ये मैं देख रहा हूँ कि मतलब एरोप्लेन के अलावा नीचे भी पूरे में यहाँ डाइनिंग बनाया हुआ, ये सब क्या है? फास्ट फूड बना रखा है हमने, जो अपना सेल्फ सर्विस है और हम सर्व भी करते हैं सेल्फ सर्विस उसमें फास्ट फूड में। अच्छा अच्छा, बाकी हमारा बैंकेट हॉल है ये। अच्छा, ये पूरा बैंकेट हॉल भी है। मान लो किसी को मतलब ऊपर नहीं खाना तो यहाँ खा सकते हैं ना? यहाँ खा सकते हैं नीचे हॉल में, और अपना यहाँ बफे भी लग जाता है, पार्टी वगैरह करनी हो तो पार्टी भी यहाँ पे हो जाती है हमारी। हाँ भाई, किसी को पार्टी वगैरह करनी हो यहाँ पे सेलिब्रेट, तो कॉन्टैक्ट आप देख रहे हो स्क्रीन पे, कर सकते हैं कॉन्टैक्ट। तो भाई नीचे डाइनिंग एरिया बना हुआ था, यहाँ की मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी कि क्या था ये। अब हम ऊपर चलते हैं एरोप्लेन के पास। तो भाई आगे चलते हैं यहाँ पर। नमस्कार, ये बोर्डिंग टिकट कितने की एरोप्लेन की? सर हमारे पास बोर्डिंग पास है ये 200 रुपए की है। अच्छा, 200 रुपए का है ये? हाँ जी, ये एक कपल के लिए होता है 200 का। अच्छा, मतलब ये एक कपल के लिए 200 रुपए का है। जैसे आप 4 मेंबर है तो मतलब ये 200 में ओनली एंट्री होगी? 200 में ये आपका बिल में एडजस्ट हो जाता है ऊपर। अच्छा, मतलब जो हम खाने वाले हैं उसी में एडजस्ट हो जाएगा ये? सारी 200, जैसे आपका 2 मेंबर है तो ये बिल में एडजस्ट हो जाएगा बिल में। और अगर उसके अलावा कुछ लेना हो मतलब फिर अगर आपका 500? अच्छा, उसका एक्स्ट्रा जाएगा। 500 का बिल है आपका तो 300 पे करना पड़ेगा, 200 आपका ही एडजस्ट हो जाएगा। मतलब 500 का बिल बनाया तो 200 ये हो गए, बाकी 300 और देने पड़ेंगे। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तो देख सकते हैं बोर्डिंग यहाँ पे है, पूरा बोर्डिंग पास इसमें लिखा हुआ। अच्छा, सब कुछ लिखा हुआ है? सब कुछ लिखा है, ए टू जेड है। अच्छा, एवरीथिंग। तो यहाँ पे ब्रेकफास्ट लंच डिनर सब कुछ मिलने वाला है, क्योंकि 24 आ रही है, ओपन रहती है पूरी जगह। तो चलते हैं यहाँ पे भाई। 2 एरोप्लेन है काफ़ी, अगर मतलब कहीं आप जाओगे तो आपको एक ही मिलता है, बट यहाँ पे 2 हमको देखने के लिए मिल रहे हैं। तो ये देख सकते हैं सामने एरोप्लेन 2। अच्छा, एरोप्लेन दूसरा ही एरोप्लेन 2 है ये। नमस्कार। तो भाई जैसे हम एरोप्लेन में अंदर आते हैं, सबसे पहले ये लोग हमें इस साइड दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर फ्रंट की साइड, बाकी दूसरी साइड देख सकते हैं आप ये। तो भाई ये हमने आपको दिखाया एरोप्लेन 2 है ये, एरोप्लेन 1 की ओर चलते हैं, वो दिखाते हैं भी आपको। तो 2023 लिखा हुआ है यहाँ पे, वो है एरोप्लेन 1। आइए उसी साइड चलते हैं। यू आर एग्जैक्टली वेयर यू आर, मैं कह रहा हूँ डीजे बजता है यहाँ पे। अच्छा अच्छा, मतलब डीजे वगैरह डांसिंग के लिए है ये वाली एरिया? अच्छा, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है इसका। अच्छा, मतलब यहाँ डीजे भी इंजॉय कर सकते हैं, इसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है। अच्छा अच्छा, बाकी ये क्या है ये जो सामने ये वाला एरिया है? फिश स्पा। अच्छा, फिश स्पा, इसका क्या चार्ज होने वाला है? चार्ज की लिस्ट लगी है। अच्छा, ये देखो यहाँ पे फिश स्पा है, इसकी आप चार्ज की लिस्ट यहाँ पे देख सकते हैं। 10 मिनट 1%, 150, 10 मिनट 2%, 250। तो देख सकते हैं नीचे लिखा हुआ है, बाकी फिशेज आप देख सकते हैं, स्पा के मजे ले सकते हैं आप यहाँ पे। फिश स्पा है ये देखो। तो और यहाँ पे ये देख रहे हो, यहाँ पे बॉडी मसाज के लिए मशीन भी यहाँ पे लगी हुई है। और भी एरोप्लेन फर्स्ट पे चलते हैं आप, ये देख सकते हैं यहाँ पे। नमस्कार। तो भाई ये अच्छा लग रहा है, मतलब कल्चर को सब फॉलो कर रहे हैं, एंटर होने से पहले सब नमस्कार करते हैं। तो आइए चलते हैं अंदर। तो सेम यहाँ पे भी मतलब जैसे उस वाले में था वैसे यहाँ पर है, थोड़ा सिटिंग का यहाँ पे डिफरेंट है, वैसे वहाँ थोड़ी अलग थी। यहाँ की सिटिंग मतलब वहाँ वाले से मुझे ज़्यादा अच्छी लग रही है, अच्छी लग रही है काफ़ी। उसे मतलब जो यहाँ पे ये चेयर वगैरह पूरा डाइनिंग है उसको दिखाएंगे, विजिट करवाएंगे भी। ये देखो यहाँ पे आगे आगे मतलब थोड़ा सा चेंज हो जाता है यहाँ पर। ये मतलब कोई पर्टिकुलर किसी को फैमिली को आना हो तो उसके लिए उन्होंने बनाया हुआ है। बाकी यहाँ पे पायरेट हेलो, बाकी इस तरीके से यहाँ बनाया हो, ये कपल्स के लिए, मान लो कपल्स को बैठना हो तो उनके लिए, बाकी कोई फैमिली वगैरह हो तो यहाँ सेलिब्रेट कर सकते हैं, केक कट वगैरह करना हो उनके लिए, बाकी कोई फ्रेंड्स वगैरह हैं 4-5 तो यहाँ बैठ सकते हैं। इसको एक बार टेस्ट करें, काफ़ी सॉफ्ट है भाई, काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है, बहुत रिलीफ मिलने वाला है। बाकी टेबल पे देखो ये रखा हुआ है कुछ चीज़ें, ये सब तो मालूम होगा वैसे आपको। और भाई एक और बात मैं यहाँ के बारे में बता दूँ, यहाँ पे आपको नॉन वेज नहीं मिलेगा, टोटली वेजिटेरियन है, सब कुछ वेज में ही मिलने वाला है यहाँ पर आपको। हम बैठ चुके हैं, आप थोड़ा यहाँ पे डाइनिंग टेबल को विजिट करवा देता हूँ मैं। यहाँ पे देखो आपको ये मसाले वगैरह मिल जाते हैं, केचप वगैरह, ठीक है, पिकल वगैरह, ये तो हमने ऑर्डर करा था वो अभी गया। मोमोज आए यहाँ पे, ग्लासेस वगैरह, मेन्यू दिखा देता हूँ यहाँ पे आपको हवाई अड्डे का। तो मेन्यू में देखते हैं क्या क्या हमें मिलने वाला है, बहुत कुछ मिलने वाला है वैसे तो। ये देखो कितनी मोटी यहाँ पे बुक है मेन्यू की। तो मिल्क शेक यहाँ पे आपको मिल जाता है, सूप मिल जाता है, मोमोज मिल जाते हैं, वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं किसका क्या रेट होने वाला है। पास्ता मिल जाता है, रैप मिल जाता है, रेडी टू ड्रिंक ड्रिंक्स मिल जाती हैं, मॉकटेल, लस्सी, ये सब मिल जाता है। और आगे बढ़ाते हैं, पिज़्ज़ा मिल जाता है आपको यहाँ पे, चाइनीज़ राइस, नूडल्स, चाइनीज़ कॉम्बो, तो काफ़ी कुछ यहाँ आप देख सकते हैं। तो वीडियो पॉज करके भाई देख लेना, यहाँ पे पैटर वगैरह, मेन कोर्स, थाली, थाली के होने वाले 385। बाकी डेजर्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं, डेजर्ट में क्या क्या मिलने वाले हैं आपको।
गुलाब जामुन है, गुलाब जामुन विद आइसक्रीम है। तो ये पूरा यहाँ पे मेन्यू था। तो भाई यहाँ पर आ चुके हमारे स्प्रिंग रोल, तो आइए टेस्ट करते हैं और आपको रिव्यू देते हैं इसका। तो काफी ज्यादा टेस्टी लग रहा है भाई, बहुत टेस्टी है सीरियसली। देखो मोमोज वाली आपने स्पाइसी वाली चटनी होती है ना, वो इसमें मिक्स और मीठा मीठा भी लग रहा है, कैचअप जैसा होता है ना, वो वाला टेस्ट भी है इसके अंदर। बेसिकली ये जो है ना स्वीट चिली सॉस है, क्योंकि भाई ये स्वीट भी है और चिली वाला टेस्ट भी है इसके अंदर। तो भाई हमारा पनीर टिक्का आ चुका है, तो इसको भी टेस्ट करके आपको रिव्यू देंगे हम ये कैसा है टेस्ट में। तो भाई अब टेस्ट कर लेते हैं हम पनीर टिक्का और इसका रिव्यू आपको देते हैं। ये भी ठीक लग रहा भाई। अब जो आया है यहाँ पे हमारा मॉकटेल आया है, जो कि रेनबो में है पूरा, आप देख सकते हैं। मतलब बाकी जो मेरा वाला है ब्लू लेमिनेट है ये। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे डिश आ चुकी है, दही कबाब है ये। तो भाई खा लिया पेट, पूरा भर गया, बल्कि कुछ ज़्यादा ही भर गया पेट। तो रिव्यू हमने आपको दे दिया, अच्छा लगा मुझे काफ़ी। पनीर टिक्का थोड़ा सा मुझे कम अच्छा लगा, मगर सब कुछ अच्छा लगा उसमें, पता नहीं क्या मतलब स्पाइसी थोड़ा कम लगा मुझे पनीर टिक्का। बाकी रिव्यू लोगों से ले लेते हैं अब थोड़ा सा। यहाँ पर आप सामने देख सकते हैं काफ़ी कस्टमर्स है, तो इनसे हम थोड़ा रिव्यू ले लेते हैं ताकि आपको ऑनेस्ट रिव्यू मिल पाए यहाँ का। क्या ऑर्डर करा था आपने? पनीर टिक्का किया था और डीलक्स थाली की। अच्छा, पनीर टिक्का और डीलक्स थाली, कैसा लगा? मतलब अमेजिंग। और पनीर टिक्का कैसा लगा? यमी। और डीलक्स थाली गुड। अच्छा, वो भी अच्छी लगा, दोनों अच्छी लगी। आपको कैसा लगा दोनों में से, कौन मतलब ज्यादा बढ़िया कौन सा लगा? थाली ज्यादा अच्छी लगी, मतलब पनीर टिक्का में उतना मजा नहीं आया नहीं। तो भाई पनीर टिक्का में थोड़ा मुझे भी कम मजा आया था, बाकी सब मुझे बढ़िया लगा, थाली इनको बढ़िया लगी। बच्चों आपको कैसी लगी? अच्छा भाई, सर्व बता रहे कि जिस तरीके से करा वो भी उनको अच्छा लगा काफी। यहाँ पर बच्चे हैं, ये ना एरोप्लेन रेस्टोरेंट जो है हवाई अड्डा, इसके बारे में कुछ बोलना चाहते, क्या बोलना चाहते बताओ भाई? यहाँ पे बड़ा मजा आया, द फूड वाज आल्सो गुड। अच्छा, मजा आया यहाँ पर, किस चीज में मजा आया? लाइक वी ऑर्डर्ड डीलक्स थाली एंड पनीर टिक्का, इट वाज फैंटास्टिक। अच्छा, यहाँ पे झूले वगैरह, वो भी झूलोगे? बिल्कुल मजा आएगा, जाओ। आ चुके हैं हम यहाँ पे हवाई अड्डे से, काफी मजा आया, फूड भी काफी टेस्टी लगा। तो सारा रिव्यू हमने आपको अपना भी दिया, लोगों से भी पूछ के बताया, तो उम्मीद है आपको सारी जानकारी मिली होगी, रिव्यू मिल गया होगा, यहाँ की लोकेशन, टाइमिंग्स, मतलब एवरीथिंग, सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो अगर नहीं मिली इन्फॉर्मेशन तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, DM कर सकते हो। चैनल पर पहली बार आते अभी तक टिके हो, सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, ध्यान रखिए अपना। जय हिंद, वंदे मातरम।